क्या निकल करके आया, 64/27 शेषफल। ठीक है, चलिए देखिए और इस क्वेश्चन को बढ़िया से उतरिए, समझिए। तो ये है बहुपद क्वेश्चन का चैप्टर, बहुपद 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 चैप्टर, एक्सरसाइज है 2.3। ठीक है, नाइन्थ क्लास का है मैथ। ठीक है, जाइए और चलिए। तो ये नाइन्थ क्लास का है बहुपद में कह रहा है कि एक्स क्यू प्लस 3x² + 3x + 1 में कितना से भाग देना है, इन्होंने एक्स माइनस 1/3 से क्या करना है, भाग देना है ना। तो भाग देने के लिए आप तो बेसिक जानते हैं, बचपन में तो भाग जानते हैं ना, पढ़े हैं ना, तो बचपन में भाग देने के लिए जानते हैं। तो अब यहाँ सीखिए बड़ा वाला कैसे, तो इसको यहाँ लिख लेना है ना। तो यहाँ से हम उतारते हैं, क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 1/3। ठीक है, बीच में क्या लिखेंगे बोलिए, एक्स क्यू प्लस 3x² + 3x + 1। ठीक है ना, चलिए वही रख दीजिए। चलिए तो बहुपद इतना इतना में क्या करना है, भाग देना है, चलो हो गया। अब ये थोड़ा समझना है, बहुत आसान। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर करते हैं, इस एक्स ने है कि नहीं, इस एक्स में कितना से गुना करेंगे ताकि यह एक्स क्यू हो जाए, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, चर है कि नहीं, यहाँ भी चर है। तो एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, कौन सा कॉन्सेप्ट है, कि एक्स गुना एक्स जब होता है तब क्या हो जाता है, 1, 2, 3 है ना, तो 3x ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलती है कि नहीं। तब इसका कैसे कंडीशन हो सर, इसका जो पावर में एक, इसके पावर में एक, इसके पावर में एक है ना, अकेले अकेले सिंगल सिंगल है। तो सिंगल सिंगल जब सिंगल सिंगल रहेगा तब क्या करेंगे, इसको यहाँ ऊपर पावर वाला को जोड़ देना, क्या करेंगे, पावर वाला को जोड़ देना, क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर 3, 1, 2, 3, ये हो जाएगा एक्स पर पावर 3, है कि नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट लगता है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए कि x + x + x + x, ये भी ऐसा कॉन्सेप्ट रहेगा, तब क्या करेंगे, इसको जोड़ देना, 1, 2, 3, 4 हुआ ना, तो 4x लिख देंगे, जोड़ का ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो इसको आप क्या कर लीजिएगा, समझ लीजिए, ये हो गया। अब चलिए अब वही कॉन्सेप्ट में समझिए कि ex में कितना x गुना करेंगे ताकि x क्यू हो जाए, कितना से x, ये x है ऑलरेडी, इसमें कितना से गुना करेंगे ताकि x क्यू हो जाए, x क्यू ना, तो यहाँ क्या हुआ, x दे देंगे x स्क्वायर से, होगा ना, जब x स्क्वायर से इसमें गुना कर देंगे तब क्या हो जाएगा, x क्यू। तो यही हमको समझना है, तो कितना से गुना कर रहे हैं, x स्क्वायर से, है कि नहीं। तब यहाँ पर चलिए क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यू, ठीक है, उसके बाद माइनस प्लस माइनस। अब ये एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर है ना, आप गुना कर दीजिए 1/3 से, तो एक को इसे गुना कर देंगे तो एक्स स्क्वायर आप बटे में कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ लिख देना है एक्स स्क्वायर बटे में 3, एक्स स्क्वायर बटे में 3, इसका काम खत्म। यहाँ से फिर वही कंडीशन, यहाँ से क्या देंगे माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या देंगे प्लस। अब ये वाला कंडीशन क्या हो गया, खत्म, क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में। अब यहाँ करना क्या है, देखिए 3x² प्लस में, x² बटे 3 भी क्या है, प्लस में, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, रफ कर लेना है कहीं पर, ठीक है, जैसे यहाँ पर ऐसे 3x² आप प्लस x² बटे 3, यही ना है, तो दोनों को जोड़ना ही है, दोनों को जोड़ना ही ना है, तो जोड़ देते हैं ऐसे, इसके बट्टे में भिन्न का जोड़ लेकर के, इसका इसका एलसीएम लेंगे तो 3, 1, 3, और 1 से 3 में भाग देंगे कितना बार में, 3 बार में कटेगा, और 3 गुना क्या कर देंगे, 3, तो 3 * 9x² प्लस, ये हो गया 3। उसके बाद 3 से 3 में भाग देंगे कितना बार में, 1 बार में, और 1 * x² कर देंगे, क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर बताइए, नौ एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, दस एक्स स्क्वायर। अब बट्टे में कितना हो जाएगा, तीन। बट्टे में कितना हो जाएगा, तीन। तो अब यहाँ पर निकल करके इसको लिख देना, इतना को नहीं, क्या लिखे यहाँ पर, दस एक्स स्क्वायर अब बट्टे में तीन। आया बात समझ में? अब यहाँ से इसका काम खत्म, ये रफ में आप लोगों को कर लेना है, समझ लेना। अब ऊपर में जितना सबको उतार लीजिए, प्लस थ्री एक्स प्लस वन, समझ गए ना। अब यहाँ पर फिर से दिमाग लगाइए, इस x में कितना से गुना करेंगे ताकि दस एक्स स्क्वायर बटे तीन हो जाए, है कि नहीं, कुछ ऐसा करो ताकि यहाँ दस एक्स स्क्वायर बटे में क्या हो जाए, तीन। तो यहाँ पर सर जी हो क्या कीजिए, ये तो x है ये ना है, इसमें क्या कीजिए, दस एक्स आप बट्टे में तीन से गुना कर दीजिए ना, हो जाएगा ना। तो यहाँ लिख देंगे वही प्लस दस एक्स बट्टे में तीन, हो गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा, दस एक्स स्क्वायर बट्टे में कितना लिख देंगे, तीन। ये तो हो गया, ये हो गया। अब इसमें इससे गुना कीजिए, किसको, एक माइनस एक बटे तीन, और गुना कितना है वो, दस एक्स बटे तीन, यही ना गुना करना है, गुना करना है। तो कितना हो जाएगा बताइए, तीन तिया दस एक्स, दस गुना एक एक्स करेंगे, दस एक्स तीन तिया नौ, तीन तिया नौ, तो तीन कैसे, तीन तिया ये हो गया। तो यहाँ क्या देंगे, ये हम माइनस और प्लस, क्या हो जाएगा ये माइनस, तो माइनस दस एक्स बटे में नौ, ये हो गया खत्म। अब यहाँ पर क्या ले देंगे, ऐसे करके बड़ा वाला सिंबल दे देंगे, यहाँ पर क्या देंगे बोलिए, माइनस यहाँ पर प्लस, ये वाला सेम कंडीशन कट गया। अब यहाँ पर फिर वही कंडीशन, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो फिर वैसा ही रफ यहाँ से निकाल लेंगे, तीन एक्स प्लस कितना, दस एक्स बट्टे नौ, हो गया। अब यहाँ से फिर भिन्न का जोड़ कर लेना है, नौ का और एक का लघुत्तम नौ, एक से नौ में भाग देंगे, कितना बार में, नौ बार में, और नौ को तीन से गुणा करेंगे तो नौ तिया सत्ताईस, यहाँ क्या लिख देंगे, सत्ताईस, और एक्स है तो एक्स लगा देंगे। फिर नौ से नौ में भाग देंगे, कितने बार में कटेगा, एक बार में, और एक गुना दस एक्स करेंगे, क्या हो जाएगा, दस एक्स। तो जोड़ दीजिए, सत्ताईस एक्स प्लस दस एक्स कितना एक्स, सैंतीस एक्स, यहाँ लिख देंगे सैंतीस एक्स बट्टे में नौ, ये जो निकल करके आया इसको यहाँ लिख देंगे कितना, सैंतीस एक्स बट्टे में नौ। उसके बाद क्या बचा उधर, एक है ना बचा, एक, तो प्लस एक लिख देंगे, ठीक है, इसको ऐसे लिख कर इसको मिटा देते हैं, कि नहीं। ये रफ में आप लोगों को करते जाना है, कहीं पर कॉपी में तो ढेर सारा रफ का जगह बचता है ना, तो वहां करते जाना। अब ये हो गया, अब बताइए इस सर जी एक्स में कितना से गुना करेंगे ताकि यहाँ पर सैंतीस एक्स बटे नौ हो जाए, खाली सैंतीस से गुना कर देंगे, प्लस कितना से, सैंतीस बटे नौ से, यही ना। तो देखिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, सैंतीस एक्स बट्टे में नौ, और उसके बाद माइनस ऑफ प्लस, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, अब एक बट्टे तीन से इसमें गुना कर दीजिए, मुखी कीजिएगा क्योंकि लिखना पड़ेगा, लिखिए देते हैं, सैंतीस बट्टे नौ और गुना एक बट्टे तीन, है ना। तो अब देखिए, सैंतीस गुना एक करेंगे तो क्या हो जाएगा, सैंतीस और नौ तिया सत्ताईस, हो गया। तो यहाँ लिख देंगे कितना, सैंतीस बट्टे सत्ताईस, यहाँ पर ये माइनस में और ये प्लस में, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसका हल करेंगे, है कि नहीं, वन प्लस सैंतीस बट्टे क्या, सत्ताईस, हो गया ना। अब एक और सत्ताईस का लघुत्तम लेंगे तो कितना, सत्ताईस, अब सत्ताईस एक में भाग देंगे, सत्ताईस यहाँ लिख देंगे, सत्ताईस प्लस क्या लिख देंगे, सैंतीस, बराबर में यहाँ पर क्या लिख देंगे, सत्ताईस और सैंतीस को जोड़ दीजिए, सात सात चौदह के चार, हाथ में एक, आ तीन दो पाँच और एक छः, चौंसठ बटे सत्ताईस। तो यहाँ पर क्या निकल करके आया, चौंसठ बटे सत्ताईस, शेष फल, शेष फल, ठीक है। चलिए देखिए, और इस क्वेश्चन को बढ़िया से उतारिए, समझिए।